प्रदेश भर में संविदा पर नियुक्त लगभग 38,000 ग्राम रोजगार युवकों ने वेतन वृद्धि सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक संघ निखिल कुमार सिंह के नेतृत्व में 3 दिन से उपवास पर बैठे हैं। 9 दिन के लिए उपवास पर बैठे ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा है कि आज 3 दिन बीतने के बाद भी प्रशासन ने उपवास कर रहे ग्राम रोजगार सेवकों की सूची लेना भी मुनासिब नहीं समझा। अगर जिला प्रशासन हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ग्राम रोजगार सेवक प्रतिभा पांडे ने कहा, बताइए तो मालूम भाई आपका धर्म प्रतिमा पांडे जी, हम लोगों की 8 सूत्री मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। हम लोग 10 तारीख से उपवास के धरने पर बैठे हुए हैं, आज तक भी हम लोगों की एक भी सुनवाई नहीं हुई। रोजगार सेवक जो हैं भुखमरी के कगार पर बैठे हुए हैं। हम लोगों का 25 से 30 माह तक मानदेय अभी तक बकाया चल रहा है, जिसकी मांग के लिए हम लोग आज तक भी धरने पर हैं। मनरेगा डपटेलिंग और निलंबित किए रोजगार सेवकों की बहाली आदि ऐसे प्रस्ताव हैं जो हम लोगों को पूरा करना है जी। रणनीति ये है कि यदि हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे हम लोग सड़क पे भी उतर के भारी आंदोलन कर सकते हैं। हम आमरण और आमरण अनशन भी कर सकते हैं।